Hello viewers, welcome to my YouTube channel SV Design and Tech. Today we learn how to create EPS in Primavera Physics software. आज हम सीखेंगे how to define EPS. EPS का full form है Enterprise Project Structure. कैसे define करता है? इसके लिए हम लोगों को first Enterprise tab में जाना पड़ेगा. Enterprise tab में आने के बाद Enterprise Project Structure एक option मिलेगा. उधर क्लिक करके हम लोग को EPS क्रिएट करना होगा, ठीक है. एक्चुअली EPS जो इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, कंपनी का एक पोर्टफोलियो होता है, कंपनी का प्रोफाइल भी कह सकते हैं. कंपनी किस किस नेचर में, किस किस नेचर का प्रोजेक्ट में काम करता है और उस कंपनी का क्या क्या डिपार्टमेंट है, एक कंपनी का EPS क्रिएट कर, ठीक है. कंपनी का नाम है ABS इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है. ABS इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का डिपार्टमेंट कौन कौन है? कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट. कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का अंदर में कौन कौन डिपार्टमेंट है? सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है. इंजीनियरिंग का अंडर में कौन कौन डिपार्टमेंट है? फैब्रिकेशन है, इंस्टॉलेशन है, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है. अभी हम लोग क्रिएट करेगा EPS. तो क्रिएट करने के लिए पहले इंटरफेस टैब में आना पड़ेगा. इंटरफेस टैब में आने के बाद इंटरफेस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इंटरफेस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्लिक करने के बाद इधर डिस्प्ले शो, ठीक है. इधर एकदम राइट साइड में आपका ऐड ऑप्शन मिलेगा, ठीक है. ऐड क्लिक करने के बाद इधर टेबल व्यू ऑप्शन, ठीक है. के बाद कौन सा कंपनी का नाम डालना पड़ेगा, ठीक. यस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड आईडिया विदाउट ABS इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड. इसका अंडर में कौन कौन डिपार्टमेंट है, इस कंपनी का कौन कौन डिपार्टमेंट है? तीनों डिपार्टमेंट है, एक साथ हम एड कर करते हैं, ठीक है. करने के बाद इधर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, ठीक है. कंस्ट्रक्शन का अंडर में कौन कौन डिपार्टमेंट है? तीनों डिपार्टमेंट है, एक ही साथ हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है. सिविल है, सीआईटी, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अंदर में कौन कौन डिपार्टमेंट है? दो डिपार्टमेंट,
ठीक है। एफ से ईपीएस क्रिएट करते हैं इन फाइबर फिजिक्स सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद हम लोग कुछ ईपीएस का रिलेटेड सेटअप देखें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग चार्ट व्यू में देखें। चार्ट व्यू में देखने के लिए क्या करना होगा, डिस्प्ले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद चार्ट व्यू एक ऑप्शन, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग जो इधर जो ऑप्शन शो कर रहे हैं सिविल मैकेनिकल किसका अंडर में वो है कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। पहले कॉन्स्ट्रक्शन को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद डिस्प्ले में क्लिक करने के बाद अरेंज चिल्ड्रेन के बाद हॉरिजॉन्टली इसके अंडर में जो जो डिपार्टमेंट है वो हॉरिजॉन्टली आगे। सिमिलरली इंजीनियरिंग जो है इसका अंडर में जो जो है ये सेम प्रोसीड्योर है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है एक क्लिक करने के बाद डिस्प्ले में अरेंज चिल्ड्रेन में हॉरिजॉन्टली सब आगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेगा, जिस जिसका डिपार्टमेंट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर कौन कौन रहेगा, ठीक है। तो पहले ईपीएस क्रिएट करने का पहले ओबीएस क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा एक अगला एपिसोड में वो कैसे ओबीएस क्रिएट करते हैं वो भी एक वीडियो डाला है, आप लोग देख सकते हैं। वो अभी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर है वह सेट कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग सेंड करना पड़ेगा। सेंड करने के बाद यस डॉक्यूमेंट नीचे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सिविल डिपार्टमेंट में कौन रिस्पॉन्सिबल मैनेजर रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल। मैकेनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल कुछ और भी सेटअप देखें, ठीक है। तो डिस्प्ले में जाने के बाद डिस्प्ले में आने के बाद देखिए एक ऑप्शन है चार्ट ऑन एंड कॉपी, ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। इधर एक ऑप्शन है पिन प्रीव्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ईपीएस क्रिएट करते हैं इन पैनल वाला पीसी सॉफ्टवेयर, ठीक है।